आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। अलीगढ़ सर्किट हाउस में नगर विकास मंत्री ने प्रदेश सरकार के द्वारा 100 दिन में कराए गए कार्य की उपलब्धियां गिनाई और योगी आदित्यनाथ की सरकार में कराए गए कार्यों के दम पर प्रदेश की जनता ने 37 साल बाद भाजपा की सरकार को पुनः स्थापित किया। खबर कानपुर से है, जहां जाजमऊ में हुए टेनरी विवाद में पीड़ित महिला ने एक वीडियो जारी करके मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। इस वीडियो में पीड़ित विधवा महिला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर गोद में रखकर मुख्यमंत्री से दबंगों के चुंगल से प्रॉपर्टी बचाने की मिन्नत की। हमको इंसाफ चाहिए, मुझे उम्मीद है कि योगी साहब हमको इंसाफ दिलाएंगे। मैं एक विधवा महिला हूँ, मेरे हस्बैंड का डेथ 11 सितंबर 2020 में कोविड से हो गया। तब से वो हमारे जेठ का लड़का आमिर जो है वो हमको परेशान करता रहता है। सोलंकी धर्म कांटे के पास है, लगभग 1800 गज जमीन है। वो हमारे हस्बैंड के मरने के बाद ही से विवाद चलने लगा, लगातार ये लोग कब्जा करने के मोड़ में लगे रहते हैं। अलीगढ़ में एक सरकारी स्कूल पिछले 9 वर्षों से बिना प्रिंसिपल के ही संचालित हो रहा है। ये प्रिंसिपल बिना अनुमति के पिछले 9 सालों से अनुपस्थित हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इस सब के बावजूद भी उसे सरकार से वेतन मिल रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा विभाग की मिलीभगत सामने आ रही है। वहीं पूरे मामले पर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि संबंधित प्रिंसिपल की संबद्धता को तत्काल समाप्त कर विद्यालय भेजा जा रहा है। प्रिंसिपल के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। सीनियरिटी के हिसाब से तो श्री प्रदीप कुमार जी इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं, लेकिन उनके पास न तो यहाँ पे कोई सूचना है स्कूल में कि वो कहाँ पे कार्यरत है, और न ही सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई भी अभी तक उनके संबंध में कोई भी जानकारी दी गई है। कब से नहीं आ रहे यहाँ पे? ये 13/4/2014 से अस्थाई संबंध, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। वो किस विद्यालय में विभाग विद्यालय में कोई सूचना होती तो मैं आपको अवगत कराता कि वो अमुक विद्यालय में। खबर कानपुर से है, जहां नई सड़क में हुए सांप्रदायिक बबाल के बाद अब चंदेश्वर होते हुए लोग काफी डरे और सहमे हुए हैं, जिसकी वजह से यहां पर रहने वाले एक युवक ने सीएम के नाम पत्र लिखकर भेजा है और कहा कि इस हादसे में एक बार फिर बबाल हो सकता है। बता दें कि सीएम के पास पत्र पहुंचते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद इस मामले पर पुलिस कमिश्नर का कहना है कि इस तरह के पत्र की कोई जानकारी नहीं है, बल्कि उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से एक पत्र मिला है जिसकी जांच एसीपी को सौंप दी गई है। देखिए, ये पत्र अभी तक हमें कहीं से प्राप्त हुआ नहीं है। मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से ये पत्र आया है, तो जिसकी जाँच मैंने एसीपी को दी है। अगर इस तरीके की कोई बात है तो जो भी संबंधित जिन पर आरोप लगाए गए हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ हमारा पर्याप्त पुलिस बल वहाँ पे डेली लगता है, तो इस तरीके की अगर कोई चीज़ संज्ञान में आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। खबर फरुखाबाद से है, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल है, जिसे सुधारने में सीएमओ जुट गए हैं। बता दें, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने जिला अस्पताल लोहिया का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में जिला अस्पताल लोहिया में कहां खामियां ही खामियां मिली, जिसके बाद सीएमओ ने 6 कर्मचारियों का वेतन रोक दिया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल का है। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र अंतर्गत ताला नगरी में अचानक अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। देखते ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।
हार्डवेयर की फैक्ट्री है, एप इसका कुछ नंबर है, इसमें आग लगी। जैसे ही आग लगी हमको मालूम पड़ा, ताला बंद था, हम लोगों ने भी देखा धुआं निकल रहा है, टहल रहे थे हमारे कर्मचारी, आते उन्होंने देखा धुआं निकल रहा है, तो धुआं निकलते ही वो गाड़ी लेके भागे, इसके ताले काटे, ताले काटने के बाद आग को बुझाना प्रारंभ किया, और सहायता दो गाड़ी बन्ना देवी से, एक जो है गाड़ी अतरौली से बुलाई गई। हरदोई जिले में लगातार मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी और क्षेत्राधिकारी बघौली के निर्देशित में जल्द ही मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भंडाफोड़ करने के आदेश दिए गए हैं, जिसको लेकर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार करे हैं। उनके पास से 6 मोटरसाइकिल, चोरी की एक स्कूटी भी बरामद हुई है। कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे द्वारा, जनपदीय पुलिस द्वारा, जनपद में हो रही मोटरसाइकिल चोरियों के दृष्टिगत विशेष टीमें लगाई गई थी, जिसमें कि कल भी एक गैंग का खुलासा, 2 गैंग का खुलासा किया गया था। इसी क्रम में थाना कछौना पुलिस द्वारा क्षेत्राधिकारी बघौली के निर्देशन में एक गैंग पकड़ा गया है। 4 व्यक्ति जो कि वाहन चोर हैं, थाना पाली के रहने वाले हैं, इनको थाना कछौना और ये थाना पाली की संयुक्त टीम द्वारा कल गिरफ्तार किया गया। वह इनकी निशानदेही पे 6 मोटरसाइकिल व 1 स्कूटी बरामद की गई। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बंद मकानों में चोरी करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, साथ ही मौके से सोने चांदी के जेवरात, घड़ी, 3 तमंचा, देसी 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस और 2 गाड़ी बरामद की गई है। बता दें कि ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 39 का ये मामला है। कटक और दूसरा जो बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में एक गांव है, उन दोनों उदयपुर करके गांव है, ये दोनों गांव का ही लोग हैं। और जो घटना में जितने ये चोरी गई थी ज्वेलरी, वो एक सुनार को बेचा गया था, वो सुनार भी एक कुचेसर गांव है, बुलंदशहर में वहीं का रहने वाला है। वो सुनार को भी हम लोग गिरफ्तार कर लिया। टोटल इसमें हम लोग 5 लोग गिरफ्तार किए हैं, 4 चोर हैं और बाकी एक सुनार को गिरफ्तार किया है। खबर हरदोई से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आजाद नगर में योगेंद्र सिंह की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने योगेंद्र सिंह की पत्नी और एक बेटी को गिरफ्तार किया। बता दें कि मृतक की पत्नी और बेटी ने अभद्रता और मारपीट से नाराज होकर मुंह दबाकर युवक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। जबकि बॉर्डरिंग की रिपोर्ट आने के पश्चात मृतक के पिता ने उसकी पत्नी, एक उसकी बड़ी बेटी व 2 सालों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इसमें पुलिस द्वारा मुखबिर मामूर किए गए और तमाम जांच पड़ताल गहनता से की गई, तो ये जानकारी फिर निकल के आई कि मृतक शराब पीने का आदी था। यह जो इसकी पत्नी थी, इसका यह दूसरा पति था, वह पत्नी की 3 पुत्रियाँ पहले से थी। मृतक अक्सर अपनी पत्नी और उसकी बड़ी पुत्री के साथ मारपीट करता था शराब के नशे में। इसी क्रम में दिनांक 14/15 जुलाई की रात में उन्हें झगड़ा हुआ और इसी झगड़े में दोनों माँ बेटी द्वारा उसका मुंह दबा करके हत्या कर दी गई। खबर बुलंदशहर से है, जहां के डिबाई कोतवाली क्षेत्र के गांव बरैना में दबंग लोगों ने 2 महिलाओं के साथ घर में घुसकर मारपीट और छेड़खानी की, जिसके बाद दोनों महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पीड़िता के घर वालों ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। मैं अपने जिया जी के घर पे आई हुई हूँ, कुछ 3 लोग थे, उन्होंने मेरे साथ छेड़खानी की है। मेरी दीदी भी थे शिखा, उन्होंने मेरे ऊपर गन रखी, मेरे सर के ऊपर, मेरे मुंह से चीख निकली। आर पड़ोस के लोग बाग आए थे, उन्होंने फिर वो तमंचा लहराते हुए निकल गए। मेरी दीदी भी, उन्होंने छेड़छाड़ की थी दीदी से और मेरे कपड़े फाड़ के मुझसे बदतमीजी की है। गाजियाबाद में एक ग्रोसरी शॉप को चोरों ने अपना निशाना बनाया। शातिर चोरों ने दुकान में घुसकर दुकान के गले में रखे करीब 6-7 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद उन्होंने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों के तार काट दिए और कैमरों की DVR भी निकाल कर ले गए। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और चोरों की तलाश में जुट गई।
हमारी दुकान में ही चोरी हुई है। सुबह लड़कों ने जब दुकान खोली तो सामान तितर बितर था, सारा कैश काउंटर खुले हुए थे, सामान गायब था, कैमरे गायब थे, हमारे तार कैमरों के कटे हुए हैं, DVR गायब है। चोर जो है हमारे नीचे सामान जाने के रास्ते से घुसे हैं ताला तोड़ के, और जो है ऊपर आके फिर वो कैश निकाल के ले गए, DVR निकाल के ले गए, कैमरे की वायर काट गए सारी। हमने जी सुबह शाम के गार्ड लगा रखे हैं 24 घंटे के, रात को हमारे गार्ड बैठा हुआ था रहता है यहाँ पर, उसे भी खबर नहीं है। बराबर में अवंतिका हॉस्पिटल है, दीवार से दीवार मिल रही है, उनके गार्ड भी बाहर रहते हैं। 100-200 मीटर पर पुलिस चौकी है नीतिखंड 2, रोज रात को वो पेट्रोलिंग भी करते हैं। बुलंदशहर में मारपीट में घायल हुए व्यक्ति की इलाज के दौरान 12 दिन बाद मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक 5 जुलाई को पत्नी को ले जाने के विवाद में मारपीट हुई थी, जिसमें व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। फिलहाल पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। कौशाम्बी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बिजली का बिल अधिक आने से नाराज एक उपभोक्ता ने जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। 3 साल के भीतर 8,000 रुपए का बिल आया तो शख्स इस कदर खफा हुआ कि वो 4 लाख वोल्ट के खंभे पर चढ़ गया। घंटों तक वो हाई टेंशन तार पर बैठा रहा। गनीमत रही कि जिस वक्त वो हाई टेंशन तार पर झूल रहा था उस वक्त बिजली सप्लाई बंद थी, नहीं तो ये हरकत उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। खबर शाजापुर से है, जहां टाउन हॉल स्थित बाबा विश्वनाथ मंदिर में लॉयंस क्लब सुगंध की ओर से डायबिटीज चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 200 लोगों की ब्लड के माध्यम से डायबिटीज चेक की गई। इस दौरान डायबिटीज की मरीज से अनभिज्ञ लोगों को जागरूक किया गया। इसके साथ ही कैंप में चेकअप के दौरान डायबिटीज के निकले मरीजों को तुरंत डॉक्टरों की सलाह लेने के लिए प्रेरित किया गया। लगभग यहाँ पे 125 लोगों का हमने ब्लड चेकअप किया है डायबिटीज के लिए, और बहुत सारे लोग जो अवेयर नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है उनकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई है, उनसे हमने यही रिक्वेस्ट करी कि वो आगे अपने डॉक्टर से कंसर्न करें उस चीज़ के लिए। बहुत सारे लोग जो है प्री डायबिटिक स्टेज पे हैं, मतलब बॉर्डर लाइन, क्योंकि हमारी फास्टिंग की शुगर 70 से 100 तक आनी चाहिए, तो बहुत सारे लोगों की 110-115 ऐसी आ रही है, तो उनको भी तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। खबर गोरखपुर से है, जहां सावन के पहले दिन शिवालयों में श्रद्धालुओं की जमकर भीड़ दिखाई दी और श्रद्धालुओं ने जमकर महादेव के नाम के जयकारे लगाए। बता दें कि इस मंदिर में भूगर्भ से निकले शिवलिंग की खास मान्यता है और कहा जाता है कि यहां आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना की पूर्ति होती है। वहीं इस दौरान मानसरोवर प्राचीन मंदिर में हमारे प्राइम टीवी के संवाददाता ने इसका जायजा लिया और श्रद्धालु से भी बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। क्योंकि सावन में शिव का विशेष महत्व होता है, माना जाता है कि शिव ने विष पिया था, उनको शांत करने के लिए इंद्रदेव ने बारिश की थी, तो उससे वो शांत हो पाए थे, इसलिए सावन में लोग प्रसन्न करते हैं। और ये भी मान्यता है कि पार्वती माँ ने शिव को पाने के लिए, भगवान शिव को, कांवड़ उठाया था, जिससे शिव प्रसन्न हुए, उनसे विवाह हुआ। वैसे ही वर पाने के लिए महिलाएँ और युवतियाँ, मतलब युवतियाँ भी उनकी पूजा करती हैं, और घर में सुख समृद्धि के लिए महिलाएँ भी शिव की पूजा करती हैं। तो क्या महत्व है शिव सावन का और सावन के सोमवार का? देखिए, सावन का महीना उत्तम और महात्म महीना है। यह सावन का महीना, आज का सोमवार जो है अति पावन है। जितना कहा जाए इस साल जो सावन का 4 सोमवार है वह अपने लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का सोमवार रवियोग है, शोभन है, और मौनी पंचमी भी है। और शंकर जी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जिनकी जो कामना होती है उस कामना के अनुसार उनकी पूजा करती हैं। बहुत से बच्चियां हैं जिनके विवाह नहीं होता है, वह 16 सोमवार, 12 सोमवार, 21 सोमवार अपना व्रत करती हैं, शिव को बेलपत्र, भांग, धतूर, अन्यत्र दूध दही से उनका पूजन अर्चन करके वर के रूप में उनकी पूजा करती हैं। उनके मन अनुसित प्रसन्न होकर के भगवान शिव उनके विवाह के प्रति वर भी उनको प्राप्त होता है। और रहा बात महामृत्युंजय की, तो जो जैसा संकल्प लेता है रोग शांति के लिए, धन वृद्धि के लिए, अन्यत्र सुख संपत्ति, व्यापार वृद्धि के लिए, जैसी आपकी संकल्प रहता है उसी संकल्प में महामृत्युंजय होता है। हम महामृत्युंजय के बाद जब हवन होता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है।
बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पे तमाम पुरोहित बैठे हुए हैं जो साल भर हमको लगता है कि महामृत्युंजय का जाप लोग आते हैं करवाते हैं, क्योंकि अल्पायु भी जिसकी होती है वो भी करवाता है, तो ऐसे में महामृत्युंजय का क्या महत्व है? देखिए, महामृत्युंजय का महत्व बहुत अधिक है। अगर कोई व्यक्ति अगर 24 घंटा बीमार है और उनकी अंतिम इच्छा है, अगर महामृत्युंजय का जप होता है तो वहाँ पर यमराज को भी 24 घंटा उस प्राण को, जीव को छोड़ना पड़ जाता है। शिव की इतनी कृपा हो जाती है उस व्यक्ति के ऊपर। अपर युग में भी इस मंदिर का जिक्र किया गया है। मानसरोवर मंदिर की मान्यता बहुत पुरानी है, लोगों की आस्थाएं इससे जुड़ी हुई हैं। गोरखपुर से प्राइम टीवी के लिए हिमांशु श्रीवास्तव। खबर मैनपुरी से है, जहां सावन के पहले सोमवार को मंदिरों में भारी संख्या में भक्तों की कतार दिखाई दी। ऐसे में मैनपुरी नगर का प्राचीन भीमसेन महाराज मंदिर में कोई किंवदंतियों को संजोए है, तो वहीं शिव भक्तों के लिए ये मंदिर पहली पसंद है। सावन में इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। मंदिर पर भक्तों के लिए विशेष व्यवस्थाओं के साथ विशेष साज सज्जा भी की जाती है। ये कथा जो शुरू हो गई है 14 तारीख से, ये कथा 20 तारीख से चलेगी, राम कथा। उसके बाद भागवत कथा है आचार्य पंकज मिश्र जी की, वो 21 तारीख से 26 तारीख तक चलेगी। उसके बाद शिवपुराण है, रामपुर से आ रही है उनकी पवन कौशिक, उनका शिवपुराण होगी। उसके बाद 4 तारीख से अभ्यस द्विवेदी देवी सारा वाली हैं, उनके द्वारा भागवत कथा का आयोजन। सावन का पहला सोमवार था आज, जहां सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ दिखी है और मंदिरों में भक्तों ने पूजा पाठ कर पूरे विधि विधान से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश की, अपनी मनोकामना पूर्ण करने की कोशिश करी। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।